समाज में औरत खुली ना डोला, जैसे मुंह पे भी पर्दा कर सकते हैं, ऐसे घूमते हैं। उसने कहा मेरे ससुर ने पिता से ने बेटी आप क्या करोगी, आपने नहीं जाना पंचायत में, जो बात होंगी घर चलो मैं बता दी। मेरा घर से कहीं बाहर जाने का इतना मतलब वो नहीं हुआ। पोस्टर पे लगते हूँ, उससे उसकी पहचान पहचान होती है उससे कि ये इनके घर से इसके परिवार से है। ये जो पांच शर्त लगाई है सरकार ने, ये पांचों की पांचों गरीब विरोधी शर्तें हैं। पढ़ाई की जहाँ तक बात है, 83% महिलाएं जो है वो चुनाव से बाहर होगी, वो एससी की है ज्यादातर। सरकार ने देखो कुछ सोच समझ के और पब्लिक की भलाई के लिए किया है, जो भी कुछ कंडीशन वगैरह लगाई है। पढ़ी लिखी सरकार होगी, भी पढ़े लिखे आगे आएंगे, मौका मिलेगा, कुछ अच्छा करेंगे, उन्होंने सोचा है ऐसा होना भी चाहिए। 1965 से यहाँ 8th का स्कूल सब आते, तो उसमें आचार्यों तक की क्लासें लगती थी। जी जी जी। सिर्फ थोड़ा शेड्यूल कास्ट और जो हम लगाएंगे कि उससे एस सी एस टी वगैरह, उसमें तो वो है ना थोड़े थॉट को डेवलप नहीं कर पाई उस हिसाब से। हम ये कहते हैं गांव में दो खड़े कर दो, एक पढ़ा लिखा एक अनपढ़, वोटर का अधिकार है वो किसको अच्छा मानता है किसको गलत मानता है। इसमें तो वोटर का भी अधिकार मारा गया, वो केवल अनपढ़ आदमी को ठीक मानता है, अनपढ़ आदमी ईमानदार भी हो सकते हैं, मेहनती भी हो सकते हैं। मौका सबको मिलना चाहिए। जैसे 3 फार्म भरे गए थे मेरी पंचायत के निंदाना तिगरी से, एक का कुछ कमियों की वजह से कैंसिल हो गया और एक ने मतलब मेरे पक्ष में कर दिया, मेरे को समर्थन दे दिया। तो अब फिर समर्थन देने के बाद तो अकेली मैं बच गई। फिर ये जो टॉयलेट वाली बात भी है, कुछ गरीब लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, उनके पास पैसा भी नहीं है और उनके पास जमीन भी नहीं है वो बनाने के लिए। जो कर्जे वाली शर्त लगाई है, किसान की प्राकृतिक आपदा से 3-3 फसल मारी गई, जो लोन ले रहा सरकार का वो वापस नहीं दे सकता इस हालत में। मजदूरों के लिए काम नहीं है, बेरोजगारी है, बहुत भयानक मतलब कर्ज की स्थिति है। तो ये जो पांचों की पांचों शर्त हमने इसलिए चैलेंज किया था कि ये जनता गरीब रोती, अगर गरीब आदमी है और वो किसी तरह गुजारा करे, अपना कर्जा वर्जा लेकर अपना परिवार पाल रहा है, उसके पास कोई साधन नहीं है और कर्जा धीरे धीरे उल्टा भी लौटाना चाह, क्या उसका मन में ये इच्छा नहीं कि तू भी पंचायत में या किसी तरह राजनीति में हिस्सा ले सके। 40% आदमी ऐसे है जो बेचारे अपना गुजारा किसी तरह आपस में उधार लेकर या बैंकों से लेकर काम चला रहे हैं, या वह तो अगर हिस्सा नहीं ले सकते ना पंचायत में। नोडूज होता जो बिजली का, इन्होंने जो सरकार ने अपने कंडीशन में लगा रखा जी, था जी, जी। वो नहीं लगाया बता रही। ये ना एक अपराधिक जो मुकदमे वाली बात है, चलो अच्छी बात है, अपराधी छवि के लोग नहीं आने चाहिए, सरपंच नहीं बनने चाहिए, लेकिन उसका तो अंडर ट्रायल है केस। तो